अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे लोग जो यहाँ पर बोले, ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप लास्ट में बोलते हैं। उसका फायदा ये होता है कि मीडिया के इस दौर में जब फर्स्ट और एक्सक्लूसिव होने की एक होड़ हो, उसमें अगर आप सबसे आखिरी में बोलें तो एक एडवांटेज है, और एडवांटेज ये है कि आपने सबको सुन लिया है, अब आप उसके हिसाब से अपना मत बना सकते हैं। मैं समझता हूं ये जो सब्जेक्ट है, चैलेंजेस बिफोर प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल एरा, ये वो सीख है जो कि प्रिंट मीडिया भी ले सकता है। जब सारी दुनिया बोल के थक जाएगी, सब कुछ बोल लेगी, तो जो प्रिंट मीडिया तब कर पाएगा वो सही मायने में एक्सक्लूसिव हो जाएगा। यही तो ढूंढते हैं ना पत्रकार, एक्सक्लूसिव मिल जाए। इससे ज्यादा एक्सक्लूसिव और क्या हो सकता है। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों का उल्लेख यहां पर सब लोगों ने किया है, उसके बारे में बात की है। ट्रस्ट हो, पैसे की किल्लत, नई तकनीक जो आ रही है उससे जो चुनौतियां हैं, ये सारी चीजों इन पे चर्चा हो चुकी है। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहां पर बताना चाहता हूं। एक तो एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है प्रिंट मीडिया के लिए, एक चुनौती ये है कि वजूद कैसे बचाएं, इसी को एग्जिस्टेंशियल चैलेंज कहते हैं, जो कि पत्रकारों को भी होता है, हमको भी हुआ, जिस वजह से वक्त वक्त पर हमने अपनी अव्वल तो नौकरी बदली और उसके बाद फिर टीवी को ही अलविदा कह दिया। तो ये एग्जिस्टेंशियल चैलेंज, मेरा ये मानना है, इससे पहले कि आपके सिर पर आकर के गिर जाए और तब आपको कोई फैसला लेना पड़े, जैसे कि हिंदुस्तान में खास तौर से आर्थिक मुद्दों पर यह हमारी हस्ती रही है कि हम लोगों के सिर पे जब चुनौती आ जाती है उसके बाद हम कोई फैसला लेते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह बोला था, वी आर अ डेमोक्रेसी बट वी आर अ वेरी इनडिसिप्लिन डेमोक्रेसी। उसके बाद उन्होंने जो बोला वो ऐसे मेरे दिमाग में घर कर गया है कि मैं अपने आपको हमेशा वो बात याद दिलाता हूं। वो कहते हैं, क्राइसिस कॉन्सेंट्रेट्स द माइंड लाइक नथिंग एल्स। और ये सच है, आप देखिए, जब बहुत बड़ी कोई दिक्कत आ जाएगी, जब एकदम सिर पे ही आ जाएगी, तब हम लोगों को होश आता है कि अरे चलो अब ये किया जाए, हम तब तक टालते रहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रिंट मीडिया जगत में भी बहुत सारे लोगों ने, जब ये इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी कितनी सारी चुनौतियां हैं, तो जब वो चुनौतियां आनी शुरू हो रही थी, तब बहुत सारे लोग टालते रहे, पुराने ढर्रे पर चलते रहे। तो इस वजह से अब आज एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आपके साथ भी वही हुआ है कि जैसे भारत की इकोनॉमी के साथ हुआ था सन 91 में, जब और कोई नौबत नहीं बची, जब और कुछ नहीं बचा, तब आपने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, और उसके बाद से हम लोग कहाँ पहुंचे हैं आप वो देख लीजिए। और ये सरकारों की वजह से नहीं हुआ है, अब हमारी इकोनॉमी इस तरीके की है कि वो आगे बढ़ ही रही है और वो बढ़ती भी रहेगी। मेरा ये कहना है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाए, एक अवसर की तरह लिया जाए प्रिंट मीडिया के द्वारा। और अब मैं अपने नोट्स की तरफ जा रहा हूं, जिसमें जो मुझे लगता है क्यों मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि मेरी शुरुआत प्रिंट मीडिया से हुई थी। सारे लोग टीवी की वजह से जानते हैं, लेकिन शुरुआत मैंने प्रिंट मीडिया से की थी। इंडो एशियन न्यूज सर्विस नाम की एक न्यूज एजेंसी है, उससे मैंने शुरू किया था। 1 साल दिल्ली में रिपोर्टिंग की, प्रिंट में रिपोर्टिंग की। वो आर्टिकल्स जो हैं वो खलीज टाइम से लेकर के न जाने कहाँ कहाँ छपते थे, और उसके बाद फिर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में मैंने 2 साल काम किया, फिर उसके बाद टीवी का स्विच किया। तो मैं बहुत अच्छे से ये दर्द और मर्म समझ सकता हूँ, अपने कलेजे में रखता हूँ प्रिंट मीडिया के लिए। एक छोटा सा वाक्य बता के फिर नोट्स। जब मैं प्रिंट में था, ये बात है 2002 से लेकर के 2005 तक, तो मैं जितने लोगों से मिलता था उनके कॉन्टैक्ट्स में एक मोटी सी डायरी में बनाता था। तो पहले दिल्ली में इंडो एशियन न्यूज सर्विस और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर। मिलन, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी डायरी इतनी मोटी हुआ करती थी, और उसमें ए से ये नाम, बी से ये नाम, सी से ये नाम, उन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग फोन नंबर्स। जैसे नया नया मोबाइल आया तो फिर वो लैंडलाइन के बगल में मोबाइल, फैक्स, वो सारी चीजें उसमें लिखी रहती थी। वो डायरी बहुत मोटी थी। टीवी में आने के बाद, जब टीवी में ये होड़ हुई, लोकप्रियता मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन टीवी में आने के बाद वो डायरी छोटी हो गई। डायरी और दायरा,
दोनों छोटा ना हो इसके लिए बहुत जरूरी है प्रिंट रिवाइव होना, और वो अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा अब मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जिस्टेंशियल चैलेंज की बात हमने कर दी है, लेकिन समाधान परिभाषा में है। आप प्रिंट को डिफाइन कैसे करते हैं? क्या है प्रिंट? क्या प्रिंट अखबार है? क्या प्रिंट वही चीज है जो कि अगर लिख करके मेरे हाथ में आ जाएगी तो वही प्रिंट मीडिया है? क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्रिंट मीडिया को परिभाषित करते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है आज 8,000 कॉपी बिकी है, कल 5,000 बिकेगी, फिर 3,000 बिकेगी, फिर आपकी जो प्रिंट फैक्ट्री है उसमें ताला लग जाएगा, फिर आप सोचेंगे देखिए कुछ हो ही नहीं रहा है, इतनी चुनौतियां हैं, अब हम क्या करें, किसी किसी पर एड पर आप निर्भर रहेंगे। यहां पर मैं आपको हवाला देना चाहता हूं टेलीविजन का। टीवी को ये आभास हो गया और भनक हो गई कि अब हम बर्बाद होने वाले हैं, उनको ये मालूम था कि अब गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि टीवी मिलन ने वो दौर देखा है, हमने भी वो दौर देखा है, बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव है, पैसा बहुत चाहिए था टीवी को चलाने में, एक कैमरामैन, कैमरा 2-2.5 लाख का, ओबी वैन 1.25 करोड़ की, उसके बाद स्टूडियो में लाइट लगाने जाओ तो उस समय दौर था लाइटें बहुत महंगी आती थी, लाइसेंस लो, दुनिया जहां की चीजें। लेकिन तकनीक ने एक ऐसा अवसर दिया टीवी को कि आप बना और काम टीवी वाला रहे हैं, लेकिन वो कंज्यूम कहां हो रहा है आप वो देखिए, वो कंज्यूम डिजिटल में हो रहा है। प्रिंट की परिभाषा बदलने की बहुत जरूरत है। आप प्रिंट को अगर सिर्फ और सिर्फ अखबार तक सीमित रखेंगे तो दिक्कत है, उसकी परिभाषा बदलिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बदली है। यहां तो एक पूरा डिजिटल वेंचर चल रहा है जिसका नाम ही है द प्रिंट। परिभाषा बदलने की कोशिश की है और वो फल फूल रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि कैसे जितने लोग प्रिंट को इसको कहा जाता है डूम्स डे प्रिडिक्शन, अरे अब बर्बाद हो जाएगा, सब आके खा जाएंगे, टीवी आकर के प्रिंट को खा जाएगा, रेडियो आया तो प्रिंट बर्बाद हो जाएगा, याद कीजिए वो दौर, टीवी आएगा तो अब तो प्रिंट खत्म, अब पढ़ेगा कौन, उसके बाद ये हुआ डिजिटल आ गया, अब तो प्रिंट खत्म, अखबार भी छप रहे हैं, रेडियो भी बज रहा है, टीवी भी चल रहा है, डिजिटल भी चल रहा है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है द ब्यूटिफुल कोअलेसिंग ऑफ ऑल मीडियम्स। सारे मीडियम एक दूसरे को अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसी से चीज आगे बढ़ेगी। प्रिंट की अहमियत क्यों है? बहुत पहले प्रिंट के जर्नलिस्ट जब हम जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे थे तो हमसे ये पूछा गया, हमने ये सवाल पूछा, प्रिंट वर्सेस टीवी, नौकरी कहां शुरू करें, चैनल में जाएं या अखबार में जाएं? ये सवाल हमारे मन में भी आता था। तो हमें बड़े बुजुर्गों ने एक चीज बताई इस प्रोफेशन में, और उनका ये कहना था कि दिस कंट्री लव्स टू ट्रीट द रिटन वर्ड एज द गॉस्पल ट्रूथ। कोई चीज छप जाए उसको सच मानने की एक आदत होती है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इस वजह से प्रिंट की अहमियत, छपे हुए की अहमियत हमेशा रहेगी। बड़े बड़े लोग स्पीच देते हैं, पार्लियामेंट में भी स्पीच देते हैं, वो स्पीच किस माध्यम से अमर हो जाती है? जब वो छप जाती है, जब वो छप के किसी पुस्तक के किसी वॉल्यूम में बन जाती है, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद यह भी उपलब्ध रहेगा। आप स्पीच YouTube पर भी सुन पाएंगे या किसी भी और माध्यम से, लेकिन वो जो छपी हुई किताब है उसकी अहमियत कभी कम नहीं होगी। मिलन जितना भी पत्रकारिता कर रही है या मैं जो भी कर रहा हूं, अगर मेरे दिल में यह ख्वाहिश आई कि अब मैं कैसे इसको नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, क्या आएगा मेरे मन में, इसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाए। वो डॉक्यूमेंट करना क्या है? वो प्रिंट है। वक्त बदलता है, समय बदलता है, और सारे माध्यम जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कल को अगर मिलन या आप में से कोई या मैं अगर किताब छापूंगा तो मैं प्रिंट में ही तो वापस जा रहा हूं, और वो अपने आप में एक जलसा होगा। प्रिंट एक्सक्लूसिव होता जा रहा है और उसकी एक्सक्लूसिविटी ही उसको हमेशा जिंदा रखेगी। ये एक पॉइंट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रेडियो आया फिर भी प्रिंट रहा, टीवी आया फिर भी प्रिंट रहा, डिजिटल आया है फिर भी प्रिंट रहेगा। टीवी बढ़ा क्योंकि वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया,
लेकिन आपको पता है ये 90 का दौर है, अर्ली 2000s का दौर है, जब टीवी एकदम से बिल्कुल एक्सप्लोजन हुआ, 24/7, और ये हुआ, सवाल ये हुआ कि अब प्रिंट क्या करे, अखबार क्या करे। आप लोगों ने सबने ये नोटिस किया होगा कि जो लोग पहले अखबार पढ़ते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट अखबार पढ़ते थे। अखबारों ने क्या किया, अपने अखबार को रंगीन कर दिया ताकि थोड़ा सा और अटेंशन मिले। तो आपने देखा कैसे अखबार भी इवॉल्व कर रहा है, उनको ये जरूरत महसूस हो रही है कि हमें बदलना है। और वो कब हो पाया, वो तब हुआ जब चुनौती सिर पे आ गई, जब ये लगने लगा कि अब हमें पढ़ेगा कौन। तो जब चुनौती आती है ये कोई बुरी बात नहीं होती, इसमें आपके लिए एक अवसर है कि आप कैसे अपने आप को परिभाषित करें, रीइन्वेंट करें। तो वो न्यूज़पेपर कलर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने एक और चीज नोटिस की होगी, पॉडकास्ट। ये एक रेडियो का माध्यम है, ठीक है। पॉडकास्ट का मतलब ये हुआ, दो माइक लगे हुए हैं, लोग एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे हैं, वो रेडियो के लिए है। वो इंटरनेट के माध्यम से रेडियो में जाएगा। रेडियो मतलब ट्रांजिस्टर नहीं, रेडियो मतलब एनीथिंग ऑडियो। आप देखिए रेडियो ने कितनी खूबसूरती से अपनी परिभाषा को इवॉल्व किया, वो कैसे बढ़े हैं। और उस माध्यम से पॉडकास्ट इतनी बड़ी चीज हो गई कि टीवी को महसूस हुआ, अरे इसको सिर्फ ऑडियो में ही क्यों रखें, दो कैमरा लगा करके इसका टीवी क्यों ना कर दें। तो पॉडकास्ट का टीवी वर्जन आ गया। यूट्यूब पर लोग पॉडकास्ट करते हैं जो कि रेडियो की प्रॉपर्टी है, इंटरनेट पे चलने वाली चीज है, लेकिन वो वीडियो में भी उपलब्ध है। अब आप मुझे बताइए, आप इसको किस चीज में परिभाषित करेंगे? आप इसको रेडियो बुलाएंगे, आप इसको टीवी बुलाएंगे? और कल को अगर कोई बहुत अच्छा इंटरव्यू हो और उसको अगर कोई छाप दे और फिर वो किसी अखबार में छप जाए, तो फिर आप इसको प्रिंट बुलाएंगे? हमको हमको ये सोचना होगा अपने मन में कि अब सारे माध्यम एक दूसरे पर निर्भर हैं, सब एक दूसरे को फीड करते हैं और एक्सक्लूसिविटी प्रदान करते हैं। कोई बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा वो एआई के इस युग में और टेक्नोलॉजी के इस युग में स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूज करके इंस्टेंटली कन्वर्ट किया जाता है, और किस माध्यम में? प्रिंट। क्यों ये जरूरत महसूस हुई 1857 की ये किताब यहां पर प्रस्तुत करने में? ये एक्सक्लूसिविटी है साहब, और यही है प्रिंट, ये कभी मरेगा नहीं। 1857 के संदर्भ में मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने 1857 पर खासी रिसर्च की और बहुत पुस्तकें लिखी हैं। आपको पता है कि जब जो उस समय के रेवोल्यूशनरीज थे वो एक दूसरे से संपर्क कैसे करते थे, क्रांति के इस युग में, बगावत के उस युग में? वो रोटी पे संदेश लिख करके देते थे। रोटी पर क्या हो रहा था? प्रिंट, लिखा हुआ शब्द और उसकी अहमियत, जेब में कलम, इसकी अहमियत ये कभी नहीं जाएगी, ये आप मुझसे लिखवा लीजिए। तो जो जो लोग ये बताते हैं कि डूम्स डे आ रहा है, प्रिंट खत्म हो रहा है, उनको आप अपनी कलम दिखा दीजिएगा, उनको आसपास की कोई पुस्तक दिखा दीजिएगा। छोटा सा एक उदाहरण आप लोगों को दे दूं, यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एलपी रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड होते थे गोल गोल, वो सुने होंगे, और फिर एक दौर उनका खत्म हो गया कि भाई टेप रिकॉर्डर आ गए, सीडी आ गई, ऑडियो सीडी आ गई, MP3 आ गया, DVD आ गया, फिर उसके बाद सब डिजिटल हो गया, फिर आईपॉड आ गया, फिर आईपैड हो गया। आप लोगों को पता है एलपी रिकॉर्ड्स दोबारा बनने शुरू हो गए, क्यों हो रहा है ये? जब जब जो जो चीज बहुत कॉमन हो जाती है, तब हम हमारी इंसानी फितरत होती है एक्सक्लूसिविटी ढूंढने की। मैं तुरंत गया पुरानी दिल्ली में, चांदनी चौक में एक दुकान है, उसका नाम है न्यू ग्रामोफोन हाउस। न्यू ग्रामोफोन हाउस से मैंने एक ब्रांड न्यू टर्न टेबल खरीदी 5,500 रुपए की, और वहां आज भी वो इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं, वो आज भी नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर जूते बिकते हैं, बीच वाले फ्लोर पर चप्पलें बिकती हैं, और सेकंड फ्लोर पर वो उनका पैशन ऐसा है एलपी के लिए कि वो आज भी अपना एलपी रिकॉर्ड बेच रहे हैं। अमान और अयान अली बंगश जो हैं, जो कि सरोद प्लेयर हैं, उस्ताद अमजद अली खान के दोनों पुत्र हैं, उन्होंने मुझको, जब मैंने उनको अपना एलपी का शौक बताया मिलन, तो उन्होंने मुझे एक एलपी प्रस्तुत की उस्ताद साहब की, और ये बोला ये अभी अभी बन के आई। दौर खत्म नहीं होता है, दौर बदलता है।
और जिस दिन हमको इस बात का एहसास हो जाएगा, उस दिन हमको ये लगेगा कि ये हमारे लिए, प्रिंट के लिए खास तौर से, एक बहुत बहुत बड़ा अवसर है। और इसमें लास्ट में मैं बस एक बात कह करके खत्म करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को लेकर के एक शब्द है जिस पर हमने अपनी पत्रकारिता तो जीवन भर की है और उसके लिए कुछ कदम भी उठाए, बहुत ज्यादा मैं नहीं करना चाहिए, ये बड़े बुजुर्गों से हमने सीखा है, वो शब्द सिर्फ और सिर्फ एक है, भरोसा। आपको किस माध्यम पर भरोसा है, जब तक वो भरोसा कायम रहेगा ना, तब तक कोई माध्यम बंद नहीं होगा। तो प्रिंट को वो भरोसा कायम करके रखना है, ये ठान लेनी है कि हर सुबह हर छोटे शहर की हर चाय की दुकान पर एक अंकल या आंटी आएंगे, एक 5 रुपए की चाय मांगेंगे और एक अखबार उठा करके उसको कवर टू कवर पढ़ेंगे कि आज देखें तो क्या हो रहा है। नमस्कार।